सदन के शून्य काल में इस अत्यंत महत्वपूर्ण विषय को उठाने के अनुमति देने के लिए मैं सर्वप्रथम आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। महोदय, मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूं कि भारत में रहने वाले अनुसूचित जनजातियों में सबसे बड़े संख्या संताल की है। इसे देखते हुए हमारे देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री हम सबके आदर्श स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की पहल पर सन 2003 में 92वीं संविधान संशोधन के द्वारा संताली भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया, जो 2004 से लागू हुआ। जनजातीय समाज के प्रति स्वर्गीय अटल जी द्वारा दिए गए इस सम्मान की मैं पूरे जनजातीय समाज की तरफ से सराहना करता हूं और हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि सन 2004 से आज तक लगभग 17 वर्ष बीतने के बाद भी आज तक सदन में संताली भाषा के व्याख्या कर दो भाषिया की नियुक्ति नहीं की गई है, जिसके कारण इस भाषा का समुचित विकास नहीं हो पा रहा है। संसद के दोनों सदनों में कोई मान्य सांसद संताली भाषा से है जो चाहकर भी अपना संताली भाषा में अपनी बात नहीं कर पाते हैं। अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं संसद के दोनों संसदनों में संताली भाषा के व्याख्या कर दो भाषिया का स्थायी रूप से नियुक्ति का प्रस्ताव करता हूं। धन्यवाद सर।